दोस्तों आज हम देखेंगे 22x58 फीट यानी कि 22x58 फीट का हाउस प्लानिंग जिसके अंदर रहेगा दो बेडरूम हॉल किचन एंड पार्किंग। और दोस्तों ये जो 22 है उस साइड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन है यानी कि उत्तर डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है। दोस्तों अगर आपको भी कोई अलग तरीके से प्लानिंग बनवाना है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आपका जो रिक्वायरमेंट है कि 20x20x40 है या 25x50 है, जो भी आपका प्लॉट साइज है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ताकि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर पाए। दोस्तों अभी हम आज डिटेल में देखेंगे 22x58। तो दोस्तों ये जो रोड है, रोड की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो यहाँ पे ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 22 फीट है। और दोस्तों अभी हम ये प्लॉट की डेप्थ की बात करेंगे तो ये फ्रंट वॉल से लेकर दोस्तों यहाँ पे जो बैक डायरेक्शन है वहीं पर तक वो 58 फीट है। अभी दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कि ये 22 फीट है तो दोस्तों यहाँ पे ये एंटर होते ही 9 फीट 9 इंच बाई 13 फीट का ये पार्किंग है। तो दोस्तों ये पार्किंग ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 9 फीट 9 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट है। और दोस्तों यहाँ पे और आप ये चीज़ देख सकते हो 3 फीट वाइड है वो ओटा है यानी कि स्टेप है पार्किंग से अपर लेवल तक। अगर दोस्तों आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ पे एक सीढ़ी प्रोवाइड किया हुआ है स्टेयरकेस, तो यहाँ पे जो अप लिखा है वहीं से आप अपर की साइड भी जा सकते हो। अभी दोस्तों हम डिटेल में ड्राइंग देखेंगे। यहाँ से एंटर होते ही ये पूरा लिविंग रूम दिया हुआ है जिसका साइज है 9 फीट 9 इंच बाई 25 फीट 3 इंच यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 फीट 9 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 फीट 3 इंच है। अभी दोस्तों ये चीज बात करेंगे तो यहाँ पे भी ड्राइंग रूम लिखा है, अगर आपको इसको बेडरूम में भी यूज करना है तो डाइनिंग यूज। तो दोस्तों ये जो साइज है रूम का उसका साइज है 10x12 फीट यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे बेडरूम नंबर 1। तो दोस्तों ये जो बेडरूम है उसका साइज है 10x11 यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट है। तो दोस्तों यहाँ ये पार्किंग से एंट्री था, लिविंग रूम था, देन यहाँ पे वन रूम, यहाँ पे ये सेकंड रूम था। अभी दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे बेडरूम की। तो ये जो बेडरूम है उसका साइज है 12x14 यानी कि ये मास्टर बेडरूम है, ये वॉल से लेकर यहाँ तक 12 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 फीट है। अगर आप ये बेडरूम मास्टर है तो दोस्तों यहाँ पे अटैच टॉयलेट दिया हुआ है जिसका साइज है 5 फीट 4 फीट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 5 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट है। अभी दोस्तों मास्टर बेडरूम के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे ये लिविंग है, लिविंग को कनेक्टिविटी में यहाँ पे कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है जिसका साइज था 6 फीट 8 इंच बाई 4 फीट 9 इंच यानी कि ये वॉल से लेकर यहाँ तक 6 फीट 8 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट 9 इंच है। और यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये पूरा OTS प्रोवाइड किया हुआ है। वो OTS का दोस्तों फायदा यहाँ पे बेडरूम को भी मिल रहा है, वो आ ताकि ये बेडरूम है उसको भी यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर सकेंगे। अभी दोस्तों हम बात करेंगे लिविंग के बाद में जो किचन दिया हुआ है जिसका साइज है 9 फीट 9 इंच बाई 9 फीट यानी कि ये वॉल से लेकर यहाँ तक 9 फीट 9 इंच है और ये वॉल से लेकर यहाँ तक 9 फीट है। अभी दोस्तों ये किचन को बैक साइड में बालकनी दिया हुआ है यानी कि ये वॉश एरिया है जिसका साइज है 15 फीट 1.5 इंच बाई 4 फीट, ये वॉल से लेकर यहाँ तक 15 फीट और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट। तो यही चीज था 22x58 फीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।